नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। हमारी वीडियो देश विदेश में देखते हैं और गुजरात में, पूरे इंडिया में, सभी जगह पे हमारी वीडियो देखते हैं। सारे लोग हमारी वीडियो फॉरवर्ड भी करते हैं, तो हमारी वीडियो जितनी फॉरवर्ड होगी तो जितने लोगों तक पहुंचेगी वो सारे जन देखेंगे और वो अप्लाई करेंगे, तब उनको रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे ही अहमदाबाद के प्रबोध भाई शाह हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आए हैं। उनको 6 साल से डायबिटीज था और पैरालिसिस की थोड़ी सी असर थी, तो उन्होंने ये वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद अहमदाबाद में मुझे मिलने आए। मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे मिलने आए और 14 महीने से ये न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं। तो क्या क्या फायदा हुआ, इन्होंने क्या क्या किया, तो हम उनके मुंह से ही सुनेंगे। तो प्रबोध भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी। आप अपनी जर्नी बताइए, 14 महीने की जर्नी कैसी रही? 14 महीने की जर्नी अच्छी रही। उसमें मैं हर रोज जूस पे रहता था जी, और मेरा जो ये प्रयत्न है वो ये अपना आत्में जो कचरा है उसको निकालने का मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ, और उससे एक ही सीटिंग में 8 बार प्रयत्न करता हूँ जी। तो एक ही बार में आप 8 बार एनिमा करते हो? बाकी सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि एनिमा करने का टाइम नहीं मिलता है, डर लगता है कुछ हो जाएगा, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है ये एनिमा 8 बार करके? मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं ये जनवरी के बाद जब 5 महीने में पालीताना गया तब मैंने रात को 2 बजे भी एनिमा किया था जी। और आपने हमारी वीडियो देखी, आप बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड भी करते हो, आपके घर में भी सब बोलते हैं कि ऐसा सब नहीं करना चाहिए, पकाया हुआ भोजन ही खाना चाहिए, आपको वीकनेस आ जाएगी, लेकिन 14 महीनों से वीकनेस नहीं ताकत आती है जी। वीकनेस नहीं ताकत आती है जी। तो ये करने जैसा है, जो अपने शरीर में जो कचरा है, ये झरना बहन जो कहते हैं उसी तरह जो फॉलो करते हैं तो अपने शरीर में से कचरा निकल जाएगा। इतने साल के अंदर जो भी कुछ खाया है, शादी में जाते हैं, प्रसंगों में जाते हैं, और अपने अपने घर पे भी जो प्रसंग है उसमें जो खाते पीते हैं, मठा है और चीजें, सुखड़ी है, सीरा है, जो भी खाते हैं, तो ये चिकनी चीज अपने अपने बर्तन के अंदर चिपक जाती है। हाँ जी। तो उसको निकालने में जरा जोर पड़ता है। हाँ जी। तो उसी तरह ये चिकनी चीज तो अपने शरीर में जावे तो आंत के अंदर कैसी परिस्थिति हो है? हाँ जी। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आंत को पूरा साफ करने के लिए ये एनिमा करना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है। आप सभी दर्शकों ये जानना चाहेंगे कि आप कितनी एज के हो? मैं 72 ईयर्स हूँ जी। 72 ईयर्स की एज पे भी इन्होंने वीडियो देख के अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये जो है एनिमा, इसका प्रयोग किया है, तो आप समझो कि इसका कितना महत्व होगा। आपके घर में सब हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं? ये सब नहीं, और लोग ना बोलते हैं जी, और लोग ना बोलते हैं, लेकिन मुझे करना है जी, क्योंकि मुझे और मैंने और भी वीडियो देखी है और ये वीडियो से ही मैं प्रभावित हुआ हूँ। झरना बहन की तरफ से जो वीडियो आता है जी, वो देखने लायक वीडियो है। वो वीडियो को अनुसरने से अपने आत्मे से बिल्कुल कचरा निकल जाएगा और आप बिल्कुल ताजगी अनुभवोगे। आप जूस कौन सा जूस बनाते हो? मैं 10 जीत डालता हूँ जी। आदू, नींबू, काकड़ी, आमड़ा और एक दूधी और जे क्या बोलते हैं उसको, आमला। मैं ऐसी 10 चीजें डालता हूँ और आज की तारीख में मैंने शक्कर टेटी का जूस भी बनाया है। हाँ जी, बहुत अच्छा रहता है। जब भी रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं तो कितनी सारी
हमें पचाने की और उसको डाइजेस्ट करने में समय लग जाता जो, है जो जो रांधी जो रस जो पकाई पकाई हुई चीज खाते हैं तो शरीर भारे भारे लगता है और ये शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का लगता है जी। तो मैं ये 72 इयर्स ओल्ड हूँ और मैंने दोपहर 3 बजे उठ के झरना बहन के पास आना था, इसलिए मैं उठ के आराम से आया क्योंकि मुझे ये वीडियो करना है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आप पहले क्या करते थे सर? मैं पहले बैंक मैनेजर था। हाँ जी, और वो उस वक्त आप बीमारी से और ये सभी? नहीं, ऐसी कोई खास बीमारी नहीं थी जी। लेकिन बीमारी छिले 5-6 साल से ही है जी। अभी ये आप कब तक चालू रखने वालों? मैंने झरना बहन का लाइफ टाइम वीडियो का जो इनको क्या दिया, ये एनिमा पॉट की गिफ्ट है। एनिमा पॉट की गिफ्ट ही है फैमिली के मेंबर्स ने। हाँ, इसलिए मैंने लक्की किया कि मैं अभी ये लाइफ टाइम चालू रखने वाला हूँ क्योंकि अपना शरीर बिना दवा को अच्छा रहता है तो और क्या चाहिए आदमी को। बिना दवा को और ये योगा मैंने योगा किया है, स्विमिंग किया है, सब कुछ किया है लेकिन मुझे ये बहुत अनुकूल आया जी। ये जो एनिमा सिस्टम है ये बहुत अनुकूल आया। और अभी आपको पकाया हुआ भोजन याद आता है कि आपको कच्चे पे ही प्यार आता है? नहीं, कच्चे पे ही प्यार आता है। मैंने आज काकड़ी और टमाटर भी खाया। हाँ जी। कच्ची खाया जी। और पपैया घर पे सुधार के रखा है। अच्छा, जाके पपैया लेने का ही है जी। इसमें तो इतनी अच्छी बात है कि किसी को बोलना भी नहीं पड़ता है कि हमें कुछ बना के दो। मार्केट में सीधे लेके आते हैं और काट के खा लेते हैं। इतना सरल हमारा जीवन है ये सिस्टम से। मेरा घर के सभ्यों को बहुत अनुकूल इसे हिसाब से आ गया है जी। के काची द्राक्ष लेके भी मैं लेता हूँ। पक्की द्राक्ष जो लाके गाता हूँ जी। कितनी अच्छी सीजन आई है अभी की, ग्रेप्स मिल रही है। ग्रेप्स का भी मैंने जूस पिया है जी। ग्रेप्स के अंदर जो खजूर डालते हैं तो इससे अपना थाक उतर जाता है। हाँ जी, अपना थाक उतर जाता है जी। बहुत अच्छी बात है। कितनी शक्ति स्फूर्ति है इनकी आवाज में, कितनी ताजगी है कि 72 की एज पे कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पथारी में पड़े होते हैं और गोलियां खाते रहते हैं। उन लोग की कोई जानकारी नहीं होने की वजह से वो परेशान होते हैं। हाँ जी, उन लोग की जानकारी नहीं होने की वजह से परेशान होते हैं। अगर उनको ठिकाना मिल जाए तो झरना बहन के पास आए बिना रहे नहीं। हाँ जी, और आपकी एज में तो सब लोगों को ऐसा होता है कि चाय चाहिए, दूध चाहिए, छाछ चाहिए, दही चाहिए। चाह तो याद ही नहीं आती है। अच्छा, चाय तो याद नहीं आती है तो चाय और छाछ भी नहीं लेता है। तो चाय छोड़ दी तो आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं जी। क्योंकि जो गलत चीज है जिससे हमारे शरीर को व्यसन होता है, इस चीज का तो त्याग कर देना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो बहुत अच्छे इनके शरीर में इतना जोश है, आप समझो कि एक बार एनिमा करने से इतना लोगों को फायदा होता है। ये जो अंकल है वो 7 टाइम एनिमा करते हैं और शाम को 6 बजे के बाद खाते भी नहीं है। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? रात को 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह में 5 बजे प्रतिक्रमण करने के लिए उठता हूँ। अच्छा, और वैसे ही उठता हूँ वैसे ही इतनी ताजगी होती है। हाँ जी, कभी थकान या कुछ ऐसा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा जी। और बार बार भूख लगती है, बार बार कुछ खाने का मन होता है ऐसा? घर में सब पकाते हैं, खुशबू आती है तो क्या होता है? ऐसा है, खुशबू आती है लेकिन हमारे पास जो चीज जो जूस बनाया हुआ रेडी होता है वो ले लेता हूँ मैं जी, क्योंकि वो होने की वजह से इच्छा होती है भी ये ले लो। हाँ जी, तो आपको भी अगर ये सिस्टम करनी हो तो सबसे पहले ढेर सारे फ्रूट ले आइए, ढेर सारा सलाद ले आइए और जूस बना के पीजिए ताकि आपको भी पकाया हुआ खाने की इच्छा भी ना हो। क्योंकि एक बात समझ लेनी है कि पकाया हुआ भोजन से ही बीपी आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, डायबिटीज आएगा और इतनी सारी बीमारियां आएगी। तो ये सब का त्याग करने में ही हमारा जीवन सरल हो जाएगा। अपना अपना जैन का ऐसा त्याग करने का नियम है, उपवास करने का नियम है। जब मैं छठ करता था
अठम करता था हाँ जी। तब मैं 3 दिन भूखा रहता था हाँ जी। तो एक आधा दिन भूखा रहने में कोई तकलीफ नहीं होती है हाँ जी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। सुबह से आप 2 बजे तक पानी नहीं पीते हो? बिल्कुल नहीं जी। तो भी आपको इतनी गर्मी भी अभी तो पड़नी चालू हो गई है, तो भी आपको कुछ प्यास लगी, चक्कर आ गए, वीकनेस आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, सुबह में ही 7 बार एनिमा ले लेते हो? ना, मैं दोपहर को लेता हूँ जी, दोपहर को 4 बजे के आसपास, क्योंकि उसी वक्त मैं जाता हूँ जब निकाल करने के लिए हाँ जी, तब मैं 7-8 बार कर देता हूँ जी। तो पूरे दिन में इनको जब भी टाइम मिलता है, तो ये मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि एनिमा कभी भी कर सकते हो 24 घंटे में कभी भी। तो इनको दोपहर में 4 बजे टाइम मिलता है, तो दोपहर में एक ही टाइम में 7-8 बार एनिमा कर लेते हैं। पहले मुझे गैस होता था जी, और गैस की वजह से मैं बहुत परेशान था हाँ जी, और कॉन्स्टिपेशन भी सख्त था जी। इतना सख्त कॉन्स्टिपेशन था तो मुझे हड्डी लेनी ही पड़ती थी हाँ जी, और मैं संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर फ्री दवा लेने जाता था। अच्छा जी, अब तो कोई दवाई की जरूरत? अभी कोई दवा की जरूरत, दवा मैंने वापस कर दी। अच्छा, संजीवनी हॉस्पिटल के दवा वापस कर दी जी। तो बिना दवाई के भी हम जिंदा रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आपको और कुछ संदेशा देना हो समाज को, पूरे विश्व को? तो क्योंकि हमारी वीडियो है वो पूरे वर्ल्ड में जाएगी, तो आप सबको, आपके एज की उम्र को भी आप कुछ संदेशा दे दो। ये अनुभव करने की चीज है जी, क्योंकि हम कितना भी प्रवचन करें तो प्रवचन वो प्रवचन है हाँ जी, और अनुभव वो अनुभव है। जात अनुभव बिना अपना उसका मजा नहीं आएगा हाँ जी। क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें एक ही बात है कि मैं जो कहता हूँ वो मेरा अनुभव सिद्ध वचन है हाँ जी। तो मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे ये चालू ही रखना है जी, बहुत अच्छा। और मुझे कच्चा ही खाना है बस, क्योंकि बहुत सारी चीजें बनती है हाँ, इतनी चीजें बनती है जो झरना बैंक के वहाँ उसकी रेसिपी की चौपड़ी भी मिलती है हाँ जी। तो वो किताब लेने से अपना रेसिपी की जानकारी मिल जाएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 72 की एज के ऊपर के लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी मर जाएंगे तो पूरी जिंदगी तो जी ली, तो लेकिन अब कच्चा कैसे खाए, दांत नहीं है। तो आप तो पूरे दिन जूस पे रहते हो, तो 72 के एज पे तो किसी को दांत भी नहीं होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? मैं ऐसा करता हूँ, सुबह में 5 बजे उठ के प्रतिक्रमण करता हूँ जी, फिर नहा धो के मंदिर जाता हूँ, जैन मंदिर जाता हूँ हाँ जी, और जैन मंदिर जाने के बाद वापस आके ब्रश करता हूँ जी, और उसके बाद जो ये जूस बनाए होते हैं सब जूस खुद बनाता हूँ हाँ जी, मैं खुद ही जूस बनाता हूँ जी। कितनी अच्छी बात है कि किसी को बोलना भी नहीं पड़ता है कि आप जूस बनाइए, खुद बना रहे हैं, और उसी की मुझे आनंद है। मेरे घर के सभ्य भी ये जूस का उपयोग करके ये लाइन पे आ जाएंगे हाँ जी, मुझसे विश्वास है कि ये लाइन पे आ जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध जी, आपने इतनी एज पे सारे लोगों को ये संदेशा दिया कि डायबिटीज बहुत छोटी चीज है, अगर उसका कचरा साफ कर दे, ये एनिमा पॉट का इस्तेमाल करे, तो सभी पूरे विश्व जो है वो कहीं पे भी कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बताते हैं कि डायबिटीज आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सिस्टम में सिर्फ 14 महीने में आपकी बिल्कुल गोलियां बंद हो गई है डायबिटीज की। मैं ये कहता हूँ कि ये जो आप करते हैं जी, ये हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए करते हैं हाँ जी, तो हमें आपको सुनना चाहिए और आपका अनुकरण करना चाहिए जी। जो हमें स्वस्थ रहना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है हाँ जी, और ज्यादा बिल नहीं भरना है जी, तो ये करने से अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। और मैं ये सबको कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये सिस्टम आज से चालू करो जी, आज से चालू करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध जी आपका कि आप हमारे सेंटर पे आए और सभी दर्शकों को जानकारी दी कि बिना दवाई को कैसे स्वस्थ रहना है। तो इन्होंने जो हमारी वीडियो देखी थी, वो वीडियो का नाम है मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3,
तो ये तीनों वीडियो आप देख लो, उसका आप फॉलो कीजिए, और आपको और आगे कुछ भी डिटेल चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955, और मुझसे फोन करना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आइए, मुझे फोन कीजिए। और अगर मेरे हेल्थ सेंटर पे अहमदाबाद के नारायणपुरा पे आना हो तो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आप आ सकते हो। अगर 4 बजे आ गए तो आपको पूरा हमें समझाने की टाइम मिलेगा, अगर आप लेट आओगे तो थोड़ा सा मिस कर दोगे। और हमारा एड्रेस चाहिए तो यही मेरा नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि आपका एड्रेस चाहिए, तो हम हमारा एड्रेस भी आपको दे देंगे। अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए, पूरे विश्व में आप कहीं पे भी रहते हो तो ये हमारा एनिमा पॉट है, वो भी हम कुरियर से आपके यहाँ पे पहुंचा देंगे। एनिमा पॉट इतना जोरदार हथियार है जी, एनिमा पॉट इतना जोरदार हथियार है जो लेने से आपकी तकलीफें दूर हो जाएगी जी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि इसको हथियार बोला है। हथियार वो होता है जो हमारा रक्षण करता है, तो ये ऐसी चीज है कि हमें इतने सारी दवाइयों से बचा देता है। तो इनका भी आप थोड़ा सा मानिए, और हमारी भी 300 से ज्यादा वीडियो है, हमारी बहुत सारी रेसिपी है, वो भी आप देखिए और बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आज के टाइम में डॉक्टर कंसल्टेशन के 500,000 रुपया ले लेते हैं जी, और झरना बहन बिना कंसल्टेशन फी जी, बिना कंसल्टेशन फी ये अपने को एडवाइस करते हैं जी, जो हमें बहुत बहुत प्यारी लगती है जी। बिल्कुल निशुल्क में सेवा करने से इतना खुशी मिलती है, इतनी आनंद मिलती है, पैसे लेने से इतना आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा सूत्र है जन सेवा ही प्रभु सेवा, तो आप सबकी सेवा करने से ही मुझे भगवान के आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो ऐसा सेवा वाले को, ऐसा सेवा करने वाले को तो भगवान का आशीर्वाद होता ही है जी, होता ही है जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।